हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में हेडफोन्स का कितना रोल है और कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मेरे लिए, मैं अपना बताऊँ तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं घर से बाहर बिना हेडफोन्स के नहीं निकलती हूँ, घर के अंदर बिना हेडफोन्स के नहीं रहती हूँ। बिकॉज ऑफ हेडफोन्स के बिना मेरे को शोज़ देखना, कुछ भी करना, इनफैक्ट फ़ोन पर बात करना भी नहीं पसंद है, क्योंकि मैं हाथ में फ़ोन लेके ऐसे बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। ऐसी आप लोगों की भी हैबिट्स होगी, हेडफोन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी लाइफ में। सो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हेडफोन बाइंग गाइड इन इंडिया, फीचर्स, टाइप्स, तो किस किस टाइप के आपके हेडफोन्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, और कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि सही प्राइस में आपको हेडफोन्स प्रोवाइड करती हैं। सो आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ, तो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ हेडफोन्स। बेसिकली यहाँ पे बहुत लोगों को पता होंगे, एक होते हैं वायर्ड हेडफोन्स एंड दूसरे होते हैं वायरलेस हेडफोन्स, उसके बाद आते हैं आपके ओवरहेड हेडफोन्स एंड उसके बाद आते हैं ऑन ईयर हेडफोन्स। तो यहाँ पे चार टाइप के हेडफोन्स होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से पसंद है। कई लोगों को वायरलेस पसंद होते हैं बिकॉज ऑफ उनको पसंद नहीं है कि फ़ोन में हमेशा स्टिक करके रखना, वायर अटक जाते हैं एंड ऑल। और कितने लोगों को वायर वाले पसंद होते हैं क्योंकि चार्ज वार्ज नहीं करना पड़ता उनको, फटाफट लगाया और फ़ोन पर बात की। ओवर ईयर लोगों को पसंद होते हैं एंड कुछ लोगों को ऑन ईयर पसंद होते हैं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किनकी क्या चॉइस है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बेस्ट वायर्ड हेडफोन्स इन इंडिया। अब वायर्ड हेडफोन्स की मैंने आपको बताया कि वायर्ड हेडफोन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे ज़्यादा तो यही बेनिफिट है कि इसको चार्ज नहीं करना पड़ता बार बार, है ना, फटाफट लगाया एंड बात करी, ख़त्म। और बहुत कम मतलब बिजली नहीं लेते हैं, तो ख़राब भी बहुत लेट होते हैं, बेसिकली ज़्यादा चलते हैं ये हेडफोन्स। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यार स्टिक रहता है ना फ़ोन, इससे कहीं पे आप दूर नहीं ले जा सकते। कभी कभार ये होता है कि हेडफोन्स खिंच गए आपके, ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो ये उसके डिसएडवांटेज भी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे वायर्ड हेडफोन्स की मतलब जो कंपनीज हैं एंड प्राइस बताती हूँ जहाँ पे बेस्ट मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है सोनी का 310 AP वायर्ड हेडसेट, जो कि 949 रुपीज़ में आपको मिल जाता है एंड ये बहुत ही अच्छा होता है। एंड इन सारी चीज़ों की वारंटी भी होती है, जितनी भी अच्छी कंपनी होती है ना वो वारंटी भी देती है अपने हेडफोन्स की। दूसरा है स्कल कैंडी एंटी हेडफोन्स, तो स्कल कैंडी के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा क्योंकि उसके हेडफोन्स बेसिकली बहुत ही अच्छे होते हैं और ये आपको मिल जाता है 899 रुपीज़ में। उसके बाद है हमारा यहाँ पे कॉस्मिक बाइट, तो ये आपका आ जाता है 1099 रुपये का, मतलब कि 1100 के करीब आपको ये हेडफोन मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मोटोरोला पल्स मैक्स हेडसेट विद माइक, तो अब कुछ हेडफोन्स होते हैं विद माइक आते हैं, कुछ आते हैं विदाउट माइक, तो ये विद माइक है, ये आते हैं 899 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लैंट्रॉनिक ऑडियो, जो कि वायर्ड हेडसेट है और 949 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो ये तो मैंने सारे आपको वायर्ड हेडफोन्स बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ वायरलेस हेडफोन्स, तो वायरलेस हेडफोन्स भी सेम ही रेंज में आते हैं, थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, बट बेसिकली मैंने अभी जितने भी रखे ना सेम रेंज वाले रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वायरलेस जितने भी होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बट मैंने यहाँ पे अंडर 1000 रुपीज़ ही आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप इजीली परचेज कर सको। तो फर्स्ट है हमारा आईबॉल म्यूजी पैप्रेजी ओवर, जो कि 950 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। सेकंड है लीज बेस वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, जो 999 रुपीज़ में है। थर्ड वन है बॉट रॉक्सर 400 हेडफोन, जो कि 999 में ही है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय हेडसेट है, वो भी 999 में है। नेक्स्ट है हमारा इंटेक्स जॉगर बी ब्लू टूथ हेडसेट, तो ये 949 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। तो वायरलेस की मुझे बस एक ही बेनिफिट लगता है, लाइक हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और हमें म्यूज़िक सुनना है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि हम फ़ोन दूर नहीं रख सकते। अगर हमें सिर्फ खुद को म्यूज़िक सुनना है, सबको सुनाना पड़ेगा, तो वायरलेस का ये भी अच्छा है। ब्लूटूथ का है, तो कितना भी दूर फ़ोन रख लो, वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम बहुत वीडियोस बनाते हैं आजकल, वीडियोस का तो बहुत ही ट्रेंड चला है कि सभी वीडियोस बना रहे, तो उसके लिए वायरलेस अच्छा रहता है। वायरलेस का ये फ़ोन कहीं पे भी रखा हो, आप अपना ईजिली जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बेटर रहता है। एक्सरसाइज करने के लिए मुझे बेसिकली ये सही लगता है, क्योंकि वायर नहीं होता, फ़ोन रख दो साइड में और आप गाना सुनते हो, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, और इसमें डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको चार्ज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, चार्ज नहीं हुआ डेड हो गए तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप फ़ोन को भी चार्ज करो, इसको भी चार्ज करो, तो ये भी थोड़ा हेडेक होता है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ टॉप 10 हेडफोन्स ब्रांड इन इंडिया।
तो हमारे कौन, बहुत सारे नाम तो आपने ऐसे सुने होंगे नॉर्मली, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लाइक JBL हो गया, बीट्स हो गया, बोस है, फिर बॉट का आ जाता है, ऑडियो टेक्निका का है, फिलिप्स के हेडफोन्स बहुत अच्छे होते हैं, सोनी के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं आई नो, बट बहुत अच्छे होते हैं, स्कल कैंडी के हैं, सन हीजर के हैं, शोर के हैं। तो गाइज ये तो 10 मैंने आपको बताया, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी होंगे जो आप पर्सनली यूज़ करते होंगे और आपको पता होगा। तो ये तो मैंने वैसे ही बता दिए कि जो अपर में मुझे दिखे हैं, जिनके अभी तक मैंने सारे बेस्ट रिव्यूज़ पढ़े, तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिए। अब हेडफोन्स के बारे में अभी मैंने इतने ही बताया, और अगर आपको ज़्यादा जानना है कि किस में क्या डिसएडवांटेज है, किस में क्या बेनिफिट है, और कौन से हेडफोन मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ, क्योंकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ पर हमारा एक आर्टिकल है जहाँ पर सारे हेडफोन के साथ लिंक है कि आप कहाँ से किसको परचेज कर सकते हैं, कितने प्राइस में परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो आप लिंक के थ्रू चले जाइए और वहाँ से परचेज कर लीजिए, क्योंकि वीडियो मुझे शॉर्ट करना था इसलिए मैंने आपको सिर्फ इतनी डिटेल्स दी है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप लिंक के थ्रू चले जाइए और वहाँ से जाके जान लीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय।